Hello friends, welcome in RKG biology tutorial. In this lecture we are going to discuss difference among artery, veins and capillaries. These are the blood vessels and the study of blood vessel known as angiology. Blood vessel ke study ko hum angiology bolte hain. Clear? So a study of blood vessel known as the angiology. Our main jo blood vessels hain, they are the artery, vein and capillaries. Aur iske alawa jaise ki systemic aorta hai, systemic aorta se arteries divide hokar ke banta hai, arteries divide hokar ke arteriole banata hai, arteriole divide hokar ke capillaries banata hai. That is the network of capillary. और network of capillary unite होकर के venules बनाते हैं, venules unite होकर के veins बनाते हैं और veins unite होकर के vena cava बनाते हैं और ये vena cava फिर से deoxygenated blood को heart में carry करता है. Clear? तो इस तरह से systemic aorta, artery, then arterioles, then capillaries, then venules, then veins, then vena cava. ये सभी blood vessels हैं. But जो main blood vessel है वो three होते हैं. That is the artery, vein and capillary. Clear? And these blood vessels are the tube-like structure, hollow structure like this. Okay? And see here, the pathway of blood flow in our body. Suppose this is the heart और heart से क्या arise होगा, that is the systemic aorta और ये systemic aorta further divide हो जाएगा और artery बनाएगा, artery और ये artery फिर से divide हो जाएगा और arteriole बनाएगा, arteriole और ये arteriole फिर से डिवाइड होकर के नेटवर्क ऑफ capillaries बनाएगा, capillaries और ये capillaries के थ्रू एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट बिटवीन द ब्लड ऑफ capillaries एंड टिश्यू organ होता है और ये capillaries फिर से यूनाइट होकर के venules बनाता है और venules फिर से यूनाइट होकर के veins बनाते हैं और veins फिर से यूनाइट होकर के vena cava बनाते हैं. ठीक है, vena cava और ये vena cava फिर से heart में open हो जाता है. Clear? तो इस तरह से pathway of blood circulation है हमारे body में. Clear? See, ये जो ब्लड वेसल्स हैं मेनली आर्टरी और वेन, इनमें थ्री मेन लेयर, थ्री मेन वॉल्स होते हैं. जैसे कि सपोज ये इस तरह से आउटर मोस्ट वॉल है, आउटर मोस्ट लेयर है, इसको बोलते हैं हम ट्यूनिका एक्सटर्ना. दिस इज द ट्यूनिका एक्सटर्ना या इसी को हम ट्यूनिका एडवेंटिसिया भी बोलते हैं. क्लियर? और इसके नीचे प्रेजेंट होता है दूसरा वॉल, दूसरा लेयर, जिसको हम ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं. ये मिडल होता है, ट्यूनिका मीडिया. और जो सबसे नीचे होता है, जो इनर मोस्ट है, उसको बोलते हैं हम ट्यूनिका इंटरना. और ट्यूनिका इंटरना में दो लेयर्स होते हैं. क्लियर? तो जो ट्यूनिका इंटरना का आउटर लेयर है उसको बोलते हम इलास्टिक मेम्ब्रेन और ट्यूनिका इंटरना का जो इनर मोस्ट है उसको बोलते हम That is, इंडो
इंडोथीलियम, ओके इंडोथीलियम। तो इस तरह से जो वॉल है ब्लड वेसल का, दैट इज आउटर मोस्ट ट्यूनिका एक्सटर्ना है, मिडल बीच का ट्यूनिका मीडिया है, और इनर मोस्ट सबसे अंदर का दैट इज द ट्यूनिका इंटरना। और ट्यूनिका इंटरना में दो लेयर होते हैं, आउटर इलास्टिक मेम्ब्रेन और इनर इंडोथीलियम। क्लियर? सो दिस इज द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल इन आर्टरी एंड वेन। क्लियर? एंड दिस स्पेस इज नोन एज द ल्यूमेन। इसी को क्या बोलते हैं हम? ल्यूमेन बोलते हैं। क्लियर? जो डायमीटर है दैट इज द ल्यूमेन। ओके, नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन द आर्टरी वेन एंड कैपिलरी। सी द थिकनेस ऑफ द वॉल, ये जो वॉल है इसका जो थिकनेस है वो सबसे ज्यादा होता है इन आर्टरी में। क्लियर? कंपेरेटिवली जो आर्टरी है वो थिकेस्ट है। क्लियर? कंपेयर टू द वेन एंड कैपिलरी। सो द थिकनेस ऑफ आर्टरी दैट इज द थिक वॉल्ड, वेन थिन वॉल्ड है कंपेरेटिवली आर्टरी। और जो कैपिलरी है वो थिनेस्ट है, क्योंकि कैपिलरी में एक ही लेयर होता है जिसको हम इंडोथीलियम बोलते हैं। क्लियर? सो वॉल ऑफ कैपिलरी थिनेस्ट है, वॉल ऑफ वेन थिन वॉल्ड है, और वॉल ऑफ आर्टरी थिक वॉल्ड है। क्लियर? कंपेरेटिवली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफरेंस डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो को। तो आर्टरी जो है वो ब्लड को कैरी करता है, ब्लड को लेके जाता है फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है? हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है आर्टरी। दैट मीन जो डायरेक्शन है ब्लड फ्लो का आर्टरी में वो हार्ट टू बॉडी है, हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑर्गन। वेन्स में डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो बॉडी टू हार्ट है, मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करता है वेन और ला करके हार्ट में पोर कर देता है। क्लियर? सो द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो इन वेन फ्रॉम बॉडी टू द हार्ट, एंड डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो इन कैपिलरी टू एंड फ्रॉम हार्ट, हार्ट से लेकर भी आएगा और हार्ट को लेके भी जाएगा। क्लियर? सो दैट इज टू एंड फ्रॉम हार्ट। नेक्स्ट डिफरेंस वी सी नेचर ऑफ ब्लड इन आर्टरी वेन्स एंड कैपिलरीज। तो आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये ब्लड ब्राइट रेड कलर का होता है। क्लियर? ब्राइट रेड। और वेन्स के अंदर जो ब्लड है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्लियर? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये पर्पल रेड कलर का होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन वेन। और कैपिलरीज के अंदर दोनों तरह के ब्लड होते हैं, ऑक्सीजनेटेड भी ब्लड होता है और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब जिसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है ऑक्सीजन का कंपेयर टू द कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब जिसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का कंपेयर टू ऑक्सीजन। सो दैट इज आर्टरी कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन कंटेन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड कैपिलरीज कंटेन बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड। यहां पे एक्सेप्शन है, जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करता है, और यहां पे भी एक एक्सेप्शन है, जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करता है, कैरी करता है। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर, कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है आर्टरी के अंदर वेन्स के अंदर उस ब्लड का प्रेशर कितना है ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। तो आर्टरी के अंदर जो ब्लड है उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है कंपेरेटिवली वेन। तो यहां पे हायर ब्लड प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो होता है आर्टरी के अंदर। वेन के अंदर जो ब्लड प्रेशर है ब्लड का वो कंपेरेटिवली लेस होता है, दैट इज लोअर ब्लड प्रेशर। क्लियर? और कैपिलरी के अंदर ब्लड प्रेशर ऑफ ब्लड लोवेस्ट होता है, सबसे कम होता है। तो सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर दैट इज द ब्लड ऑफ आर्टरी, उससे कम वेन,
और सबसे कम कैपिलरीज। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टरी जो है वो डीपली सीटेड होता है, डीपली प्लेस्ड होता है अंडर आवर मसल, हमारे मसल के अंदर, मसल के नीचे आर्टरी प्लेस्ड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन दे आर डीपली सीटेड, डीपली इम्बेडेड। और जो वेन्स है ये सुपरफिशियली ऊपर की तरफ ही होते हैं। क्लियर। अंडर द स्किन, स्किन के नीचे होते हैं वेन्स, मतलब सुपरफिशियल इन पोजिशन होते हैं वेन्स। ओके, नेक्स्ट वी सी, यहां पे कुछ ऐसे आर्टरी भी हैं जो एक्सेप्शन है, ये आर्टिफिशियल दैट मीन सुपरफिशियल होते हैं, जैसे कि रिस्ट के, टेम्पल रीजन के, नेक रीजन के और एंकल रीजन के। सी, रिस्ट रीजन में यहाँ पे हम लोग थंब की तरफ करके पल्स को फील कर सकते हैं, तो ये कैसा है, ये सुपरफिशियली आर्टरी है। क्लियर। और टेम्पल रीजन में यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द टेम्पल रीजन, और यहाँ पे भी जो आर्टरी है वो सुपरफिशियली प्लेस्ड है। नेक रीजन में है ना, देख सकते हैं हम लोग, एंकल रीजन में, तो ये जो रीजन है यहाँ पे आर्टरी सुपरफिशियली प्लेस्ड होता है, रिस्ट रीजन में, टेम्पल रीजन में, नेक रीजन में और एंकल रीजन में। बाकी सभी जगह पे जो आर्टरी है वो डीपली इम्बेडेड होता है, डीपली प्लेस्ड होता है, डीपली सीटेड होता है इन द मसल, बिलो द मसल। और जो वेन है वो सुपरफिशियली प्लेस्ड होता है अंडर द स्किन। नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग देखते हैं, आर्टरी डोंट हैव द वॉल्व्स, आर्टरी के अंदर वॉल्व अब्सेंट होता है। क्लियर। क्यों? क्योंकि जो ब्लड प्रेशर है आर्टरी के अंदर वो ज्यादा होता है, जिसके रिजल्टेंट वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचता है। क्लियर। सो देयर इज नो नीड ऑफ वॉल्व्स इन द आर्टरी, इसलिए आर्टरी में वॉल्व्स अब्सेंट होते हैं। क्लियर। वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, एंड वॉल्व्स का क्या फंक्शन है, वॉल्व्स प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड, बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोकने के लिए वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, और ये वॉल्व्स वेन्स के केस में प्रेजेंट होता है। क्लियर। सी, जैसे हमारे फीट से ब्लड को हार्ट तक लेके आना है और नीचे से ऊपर की तरफ ब्लड आ रहा है, क्योंकि नीचे कोई पंपिंग ऑर्गन है नहीं, तो इससे क्या होगा, जो ब्लड सपोज यहां तक आया है, नीचे उसके वाल्व प्रेजेंट है, तो वाल्व बंद हो जाएगा, तो फिर से ब्लड जो है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, इसलिए वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं वेन्स में। क्लियर। टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड, बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं इन वेन्स। कैपिलरीज में भी वाल्व्स अब्सेंट होते हैं, देयर इज नो वाल्व इन कैपिलरीज। नेक्स्ट वी सी आर्टरी, वॉल ऑफ द आर्टरी दैट इज द इलास्टिक इन नेचर, जो आर्टरी की वॉल है वो इलास्टिक होती है और नैरो ल्यूमेन होता है। क्लियर। जो वेन्स की वॉल है वो लेस इलास्टिक होती है और ये वाइडर होता है इनका ल्यूमेन, ल्यूमेन मतलब दिस स्पेस इज वाइडर इन वेन और नैरोअर इन आर्टरी। आर्टरी में ल्यूमेन कम होता है, नैरोअर होता है, और वेन में ल्यूमेन ज्यादा होता है, वाइडर होता है। क्लियर। और वेन्स की वॉल लेस इलास्टिक होती है, आर्टरी की वॉल ज्यादा इलास्टिक होती है, मोर इलास्टिक। क्लियर। और जो कैपिलरी के अंदर जो वॉल है दैट मीन ल्यूमेन, वो बहुत ही कम होता है, दैट मीन दे आर द फाइनेस्ट थिनेस्ट टाइप ऑफ ब्लड वेसल, जो कैपिलरीज है वो फाइनेस्ट टाइप की, थिनेस्ट टाइप की ब्लड वेसल होती है, और यहाँ पे जो ल्यूमेन है, जो थिकनेस ऑफ वॉल है वो बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट वी सी इन आर्टरी, फ्रॉम अ कट आर्टरी ब्लड फ्लो इज जर्की। सी, अगर कोई हमारा आर्टरी कट गया और वहां से ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो जो ब्लड फ्लो है वो जर्की होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हार्ट ब्लड को पंप करता है ब्लड निकलता है, तो इस तरह से जर्की मूवमेंट में जो है कि ब्लड फ्लो होता है जब कोई आर्टरी कट जाता है। क्लियर। सो फ्रॉम अ कट आर्टरी ब्लड फ्लो कैसा है, जर्की है, कट आर्टरी की बात हो रहा है। क्लियर।
तो कट आर्टरी में जो ब्लड फ्लो होगा वो कैसा होगा, जर्की होगा, क्लियर। क्योंकि ये डिपेंड करता है ब्लड के पंप करने के ऊपर, जैसे ही हार्ट ने ब्लड को पंप किया ब्लड क्या करेगा, निकलेगा बाहर, ब्लीडिंग होगी। तो इस तरह से जो ब्लड फ्लो है इन कट आर्टरी वो कैसा है, जर्की होता है। और वेन्स के केस में जो ब्लड फ्लो है फ्रॉम द कट वेन वो कैसा होता है, रेगुलर टाइप का होता है, कंटिन्यूअस फ्लो होगा, क्लियर। सो इन वेन फ्रॉम अ कट वेन ब्लड फ्लो कैसा है, रेगुलर है, और फ्रॉम कट आर्टरी ब्लड फ्लो कैसा है, जर्की है। ओके और भी डिफरेंस दे सकते हैं हम लोग कि जो आर्टरी है वो आफ्टर द डेथ एम्प्टी हो जाता है, मृत्यु के बाद, पर्सन के, पेशेंट के मरने के बाद अगर हम आर्टरी का एग्जामिन करें तो वहां पे ब्लड अब्सेंट होगा, मतलब आर्टरी बिकम एम्प्टी आफ्टर डेथ, डेथ के बाद जो आर्टरी होता है वो एम्प्टी हो जाता है, वहां पे ब्लड नहीं होता है। लेकिन जो वेन है दे हैव ब्लड इवन आफ्टर डेथ, डेथ के बाद भी ब्लड प्रेजेंट होता है वेन्स में, क्लियर। नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं कि जो टीएस है आर्टरी का वो आफ्टर डेथ कैसा होता है, रिमेन सर्कुलर, इस तरह से सर्कुलर ही रहेगा डेथ के बाद भी, क्लियर। जो टीएस है, टीएस ऑफ आर्टरी आफ्टर डेथ रिमेन सर्कुलर, इस तरह से। लेकिन जो टीएस ऑफ वेन है आफ्टर डेथ वो कैसा हो जाता है, वो कुछ इस तरह से हो जाता है, इसका जो सर्कुलरनेस है वो कोलैप्स हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट, ओके, सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द आर्टरी एंड वेन्स एंड कैपिलरीज, एंड दीज ब्लड वेसल्स आर द हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट एंड टू द बॉडी। So, in next lecture, we will discuss the histology of the blood vessel. Blood vessel के histology के बारे में हम लोग study करेंगे, उसके structure के बारे में study करेंगे. I request all of you, please subscribe my channel, like, share, comment the videos.